डेंगू के मोहलिक वार जारी, सिंध में मरीजों की तादाद 6000 से ऊपर, कराची में डेंगू वायरस से 5000 अफराद मुतासर, पंजाब में मजीद 230 मरीज सामने आ गए, खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों की तादाद 2300 से बढ़ गई। कराची था खबर, डेंगू के वार जारी, पंजाब में गुजशत 24 घंटों के दौरान 230 केस रिपोर्ट हुए जबकि 119 मरीज डिस्चार्ज किए गए। पंजाब के तमाम अस्पतालों में डेंगू के कुल 391 कंफर्म मरीज जेर इलाज हैं। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मुताबिक रवा साल पंजाब में डेंगू से 10 अमवात हुई जबकि केपी में 46 नए केसेज रिपोर्ट हुए जिसके बाद डेंगू केसेज की तादाद 5835 हो गई। रवा माह सिंध में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है जिसके बाद सिंध में मुतासर अफराद की तादाद 3114 हो गई। डेंगू सर्विलेंस सेल के मुताबिक रवा साल डेंगू से अमवात की तादाद 20 हो चुकी है। कौमी डेंगू कंट्रोल सेल ने एक केस स्टडी तैयार की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में डेंगू वायरस का पहला केस 1994 में सामने आया। मुल्क में डेंगू ने वबाई सूरत 2005 में कराची में इख्तियार की जबकि पंजाब में डेंगू ने 2011 में वबाई सूरत इख्तियार की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 में पंजाब में 22000 डेंगू केस रिपोर्ट हुए जबकि 350 अमवात हुई। 2017 में खैबर पख्तूनख्वा में 25000 डेंगू केस और 70 अमवात हुई। रवा साल जुड़वा शहरों में 16000 डेंगू केस सामने आए जबकि 24 अमवात हो चुकी है। रवा साल मुल्क में ताहाल 34000 डेंगू केसेज और 50 अमवात हो चुकी है।